काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम के इस अध्याय में हम बताएंगे बिल्स और रिपोर्ट प्रिंटिंग के बारे में कुछ आवश्यक बातें। साथ ही आप जानेंगे टेली में कहीं भी काम करते समय रिपोर्ट्स कैसे प्रिंट करें। अभी तक हमने आपको टैली में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना, सेल्स परचेस के बिल्स बनाना और कई रिपोर्ट्स के बारे में बताया है। साथ ही टैली में उनका प्रिंट प्रीव्यू देखना भी बता दिया है। पर यदि आप इनकी प्रिंटिंग के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग कहां से और कैसे करें, प्रिंटिंग के समय कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और उनका क्या समाधान है, इसके अलावा प्रिंटिंग को आसान करने के लिए या अपनी आवश्यकता अनुसार प्रिंटिंग करने के लिए आप कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं इत्यादि, तो इसके लिए हम इस विषय पर दो वीडियोस बना रहे हैं। पहली वीडियो में हम आपको प्रिंटिंग से संबंधित कुछ जरूरी जानकारी देंगे, साथ ही रिपोर्ट प्रिंटिंग के बारे में बताएंगे और इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बिल प्रिंटिंग के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जब भी कोई माल बेचते हैं तो माल के साथ उसके बिल का प्रिंट भी देते हैं। कस्टमर के लिए ये बिल परचेस का सबूत होता है और इसी के आधार पर कस्टमर अपने यहाँ परचेस की एंट्री करता है। इसी तरह हम अपने रिकॉर्ड के लिए एनालिसिस करने के लिए या अन्य कई कारणों से अलग अलग रिपोर्ट्स भी प्रिंट करते हैं। हमारी आज की जो वीडियो है वो इसी बिल प्रिंटिंग और रिपोर्ट प्रिंटिंग पर है। टेली कंपनी ने tally.erp9 के मुकाबले टेली प्राइम में बिल की प्रिंटिंग या कह सकते हैं कि सभी वाउचर्स की प्रिंटिंग और बहुत सी रिपोर्ट्स की प्रिंटिंग को बहुत आसान कर दिया है। आइए हम इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको दे देते हैं। समझने के लिए हमने एक सेल्स वाउचर ओपन कर लिया है। देखिए यहाँ टॉप मेन्यू बार में प्रिंट का एक ऑप्शन दिया गया है। इसकी विशेषता ये है कि इसकी सहायता से हम टैली में कहीं भी काम करते हुए प्रिंट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए या तो हमें इस पर माउस से क्लिक करना होगा या ऑल्टर के साथ पी की को प्रेस करना होगा। ये देखिए ऐसा करते ही तीन ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। हम एक एक करके इन तीनों के बारे में बता देते हैं। पहला है करंट। यदि आपने कोई भी वाउचर या रिपोर्ट ओपन की हुई है, जैसे कि यहाँ पर हमने एक सेल्स वाउचर ओपन किया है और हम इसका प्रिंट लेना चाहते हैं, तो यहाँ करंट जिसका शॉर्टकट R है उसे प्रेस करके ले सकते हैं। ये देखिए हम वाउचर प्रिंटिंग स्क्रीन पर आ गए हैं। अब आप जो भी प्रिंट करने जा रहे हैं, जैसे कि कोई रिपोर्ट या कोई वाउचर, तो उससे संबंधित कॉन्फ़िगरेशन के लिए C या F12 प्रेस करें। यदि आप एक्चुअली प्रिंट करने के पहले ये देखना चाहते हैं कि प्रिंट कैसा दिखाई देगा, तो प्रीव्यू के लिए I प्रेस करें। और यदि आप बिना प्रीव्यू देखे सीधे कागज पर प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो P प्रेस करें। इन सभी के बारे में हम आगे और डिटेल में समझाएंगे। हमने जो सेल्स वाउचर ओपन किया था, एस्केप की प्रेस करके हम उससे बाहर आ गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन अदर्स की। उसके लिए हम प्रिंट पर माउस से क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए पहले वाले तीनों ऑप्शंस यहाँ भी दिखाई पड़ रहे हैं, पर इसमें करंट ऑप्शन अभी इनेबल नहीं है, क्योंकि वो तभी इनेबल होता है जब हमने कोई वाउचर या रिपोर्ट ओपन कर रखी हो। अब बात करते हैं अदर्स की। यदि आप टैली में कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं और किसी भी रिपोर्ट का प्रिंट लेना चाहते हैं, तो सीधे वहीं से अदर्स की सहायता से ले सकते हैं। हम इसका शॉर्टकट O प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स के अंतर्गत मल्टी अकाउंट रिपोर्ट्स दिखाई पड़ रहा है और उसके नीचे कुछ रिपोर्ट्स के नाम आ रहे हैं। यहां हम आपको बता दें कि मल्टी अकाउंट रिपोर्ट्स ऑप्शन केवल लाइसेंस्ड टैली में ही मिलता है। यदि आप एजुकेशन वर्जन पर काम कर रहे हैं तो यह ऑप्शन उसमें नहीं मिलता है। हम पूरी लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स देखने के लिए शो मोर पर, फिर शो इनएक्टिव और उसके बाद एक्सपैंड ऑल पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। शो इनएक्टिव से तात्पर्य है लिस्ट में
वो टॉपिक्स भी दिखाई दें जिन पर अभी हमने इस कंपनी में काम नहीं किया है। ये देखिए सभी रिपोर्ट्स के नाम आ रहे हैं। अब आप जिस रिपोर्ट का प्रिंट चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। हमने कुछ दिन पहले आपको डे बुक के बारे में बताया था, तो आइए डे बुक पर जाकर एंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए डे बुक की प्रिंटिंग स्क्रीन आ रही है। हम इसमें कुछ कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, उसके लिए सी प्रेस करेंगे। ये देखिए लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। सबसे पहले शो मोर पर जाकर एंटर प्रेस करें। अब हम पीरियड चेंज कर लेते हैं, उसके लिए पीरियड पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब आप जिस पीरियड की रिपोर्ट प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पर वो पीरियड टाइप करें और फिर एंटर प्रेस करें। अब आपको जिस भी ऑप्शन को यस या नो करना हो या कहीं कुछ चेंजेस करना हो तो डाउन एरो से उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। हम डे बुक के प्रिंट में ट्रांजैक्शंस की नरेशंस भी लेना चाहते हैं, इसलिए शो नरेशंस पर जाकर एंटर प्रेस करके इसे यस कर रहे हैं। और इसी तरह प्रिंट में हम इन्वेंटरी डिटेल्स भी लेना चाहते हैं, इसलिए शो इन्वेंटरी डिटेल्स पर जाकर एंटर प्रेस करके इसे भी यस कर रहे हैं। यदि आप इन सभी ऑप्शंस के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो इनके नाम अच्छे से पढ़ें और उसके बाद इनमें से एक एक को यस और नो करके और जिनमें सब ऑप्शंस हैं उनमें भी एक एक को सिलेक्ट करके ट्राई अवश्य करें। अब हमें इस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो हम इस स्क्रीन को कंट्रोल और ए प्रेस करके सेव कर लेते हैं। ये देखिए हम वापस प्रिंट स्क्रीन पर आ गए हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू के लिए आई प्रेस कर रहे हैं। अब इसे जूम कर लेते हैं। ये देखिए हमने जो पीरियड सिलेक्ट किया था उसकी डे बुक की रिपोर्ट आ रही है और इसमें हमने शो नरेशंस और शो इन्वेंटरी डिटेल्स को यस किया था, इसलिए यहां नरेशंस और इन्वेंटरी डिटेल्स भी दिखाई पड़ रही हैं। आइए अब तीसरे ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन को भी समझ लेते हैं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक सवाल उठता है कि पहले भी जब हम प्रिंट स्क्रीन पर गए थे तब वहां भी कॉन्फ़िगर टैब था और यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है, तो इनमें फर्क क्या है? पहले तो हम आपको ये समझा देते हैं, जब हम करंट या अदर्स किसी भी ऑप्शन से प्रिंट करना चाहते हैं तो इन दोनों के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन कॉमन है, यानी समान है। इसमें मुख्य रूप से प्रिंटिंग से संबंधित बहुत सी सेटिंग्स उपलब्ध होती हैं। पर प्रिंट स्क्रीन पर आप जो कॉन्फ़िगर टैब देखते हैं वो आप जो भी रिपोर्ट या वाउचर प्रिंट करने जा रहे हैं स्पेशली उसी रिपोर्ट या वाउचर के कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। हम कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट एन प्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ शो मोर पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन की पूरी लिस्ट आ रही है। आपको समझने में आसानी हो इसलिए यहाँ हम आपको डे बुक के प्रिंटिंग के समय हमने जो कॉन्फ़िगर टैब की सहायता से जो कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट ओपन की थी वो भी दिखा रहे हैं। ये देखिए दोनों में कुछ ऑप्शंस समान हैं और कुछ अलग हैं। रिपोर्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट में रिपोर्ट का नाम और उससे संबंधित बहुत से ऑप्शंस हैं, जबकि दूसरी कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट में प्रिंटिंग और एडवांस कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित ऑप्शंस हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग हेडिंग्स दी हुई हैं और उनके अंतर्गत उनसे संबंधित बहुत से ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि प्रिंटर सेटिंग्स के अंतर्गत कौन सा प्रिंट फॉर्मेट चाहिए उसके लिए प्रिंट फॉर्मेट ऑप्शन दिया गया है। हम इस पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब यहां से आप जो फॉर्मेट चाहें उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। पेपर का टाइप अभी प्लेन पेपर है। यदि आप प्री प्रिंटेड पेपर का उपयोग करना चाहते हैं तो इस पर जाकर एंटर प्रेस करें। हमें प्लेन पेपर ही चाहिए तो हम फिर से एंटर प्रेस कर रहे हैं। सेट प्रीव्यू एज डिफॉल्ट को हम दूसरे पार्ट में समझेंगे। इसके बाद है
सेट नंबर ऑफ कॉपीज फॉर प्रिंटिंग वाउचर्स। हम इस पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर उन वाउचर्स के नाम आ रहे हैं जिन्हें हम ज्यादातर प्रिंट करते हैं, जैसे कि हम प्रायः सेल्स इनवॉइस की 3 कॉपीज प्रिंट करते हैं, एक अपने लिए, एक माल के साथ ट्रांसपोर्ट पर देने के लिए और एक सीधे कस्टमर को भेजने के लिए। तो यहाँ पर हम 3 टाइप कर देंगे और इस स्क्रीन को सेव कर लेंगे। ऐसा करने से जब भी हम सेल्स इनवॉइस प्रिंट करेंगे तो उसकी सीधे 3 कॉपीज ही प्रिंट होंगी, यानी हमें 3 बार प्रिंट कमांड नहीं देनी होगी। हेडर इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत प्रिंटिंग के समय हेडर की सेटिंग से संबंधित बहुत से ऑप्शंस हैं जिन्हें आप अपनी जरूरत के अनुसार सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी डिटेल्स की। इसमें सबसे पहले है इंक्लूड कंपनी लोगो, इसके बारे में हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। इसके नीचे है शो कंपनी नेम और शो कंपनी एड्रेस जो कि यस किया हुआ है, और इसके बाद है शो फोन नंबर और शो वेबसाइट। यदि आप चाहते हैं कि आप जो भी प्रिंटिंग करें उस पर आपका फोन नंबर या वेबसाइट का नाम भी दिखाई पड़े तो आप इन्हें एंटर प्रेस करते हुए यस कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, ये तभी दिखाई पड़ेंगे जब आपने अपनी कंपनी बनाते समय वहां पर इनकी डिटेल्स दी होगी। अब इस स्क्रीन को कंट्रोल और ए कीज को प्रेस करके सेव कर लेते हैं। आइए अब वापस अदर्स की सहायता से डे बुक ओपन कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ ऊपर कंपनी नेम और एड्रेस के बाद कॉन्टेक्ट नंबर और वेबसाइट का नाम भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको प्रिंटिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी और टैली में कहीं भी काम करते हुए रिपोर्ट कैसे प्रिंट करें ये बताया। इसके बाद वाली वीडियो जो कि इसका दूसरा पार्ट है, उसमें हम आपको बिल प्रिंटिंग और उससे संबंधित समस्याओं और उनके समाधान के बारे में बताएंगे।